टेक्निक होता है कि आप दोनों से सीधा एक जगह पे लेकर आएंगे, कोई उस साइड जाएगा नहीं। नहीं तो कई बार हम लोग इधर मूवमेंट्स अपना काम खत्म करने की करते रहते, कचरा फिर से फैल जाता है। सो मूवमेंट्स अपना भी होप कम से कम रखने हैं। इसमें काउच क्लीनिंग है, सेम टेक्निक, एक जगह से स्टार्ट किया, फिर नीचे आए, फिर दूसरी जगह पे गए, फिर नीचे आए, उसी वे में क्लीन करना है। ऐसे नहीं कि काउच है तो उसको हम ऐसे ऐसे क्लीन करेंगे, ठीक है। देन कम्स लास्ट में, जब सब कुछ हो गया है तो उसके बाद जो हमारा पोचा लगता है वो थ्री बकेट सिस्टम टेक्निक यूज़ करना है, जिसमें हम पहले हम डस्टिंग, वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो हम ब्रूम से कर रहे हैं, प्लस वेट मॉप से कर सकते हैं। उसके बाद फिर वाइप द फ्लोर विथ सोप एंड वाटर बकेट वन में, बकेट टू में फिर से क्लीन करना है प्लेन वाटर से, और बकेट थ्री में आना चाहिए आपका D125, ठीक है, और उसके बाद फ्यूमिगेशन होना चाहिए। अगेन फ्यूमिगेशन, अब ये हो गया हमारा एनवायरनमेंट क्लीनिंग हो गया, फिर स्टेरिलाइजेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, सेम D125 हम यूज कर रहे हैं इन 15 लीटर बॉटल। अगर हम 5 ml लेंगे तो कितना डालेंगे, 5 लीटर्स अगर लेंगे हम पानी तो कितना डालेंगे, 75। अगेन इसमें जो 75 है वो मेजर करना है, ठीक है। और बाकी और भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, बट हम लोग जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो D125 यूज़ कर रहे हैं। दो तरीके से क्लीनिंग होती है, एक डिसइंफेक्शन करेंगे बाय केमिकल से, और दूसरा स्टेरिलाइजेशन मैकेनिकल मेथड्स, जैसे लैमिनर फ्लोर है, हीपा फिल्टर्स है, एयर प्योरीफायर्स है, कुछ लोग एयर कर्टन्स भी लगाते हैं। तो ये डिफरेंट वेज ऑफ मैकेनिकल क्लीनिंग होता है। इसमें भी हमें मेंटेनेंस, जैसे हीपा फिल्टर है वो मेंटेन करना पड़ेगा, उसके एयर एक्सचेंजेस जो उसमें नॉर्मली हम बोलते हैं हीपा फिल्टर में कि 15 से 25 एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, तो उसका भी एक हीपा फिल्टर जो हमारे लगे हुए हैं उसमें एक नीचे सिस्टम है जिससे उनको रेगुलेट करना पड़ेगा, और ये हमें एवरी वीक चेक करना पड़ेगा कि इतने एयर एक्सचेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग जगह पे जो यूज होते हैं। सो अगेन फ्यूमिगेशन स्टार्ट करने से पहले हमें क्लीनिंग करना पड़ेगा, जैसे हमने देखा मॉपिंग करना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ D125, और ऑलवेज कीप द ये डीफॉगर कैसे रखेंगे, रॉन्ग वे, कहा देखो कैसे पड़ा है डीफॉगर, आपने बीच में रखा और दीवार की तरफ, क्या करेगा पूरे रूम को, नहीं करेगा। तो यूजली एंट्रेंस पे रहना चाहिए, ठीक है, और ऐसा वो उसका पोजीशनिंग ऊपर होना चाहिए जैसे वो पूरे इसमें अपना इफेक्ट देगा। और ये 45 मिनट्स तक हम चला के रखते हैं, हाँ, ठीक है। अगेन जो हम जस्ट एक बार नटशेल में जो अभी हम अभी तक हमने देखा, एक स्लाइड में ही हम कंप्लीट करते हैं कि थिएटर का स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम फ्लोर की मॉपिंग, फ्लोर एंड वॉल्स का मॉपिंग एंड क्लीनिंग है, फ्यूमिगेशन पे जोर देंगे, एयर कंडीशनर्स की सफाई पे जोर देंगे, और हीपा फिल्टर्स की मेंटेनेंस पे भी जोर देंगे। क्योंकि हम ये अगर सोचेंगे कि ये खुद ही तो डिसइंफेक्टेंट है, खुद ही तो सब कुछ ठीक करते हैं, तो हमें इसको क्या सफाई करने की ज़रूरत है, नहीं, इन सब चीज़ों की भी सफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। और लिनन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जो रखते हैं ड्रेसेस जो है वो आर पर्सनल के लिए अलग रहती हैं, पेशेंट्स के लिए अलग रहती है, और हम हर पेशेंट में चेंज करते हैं। एंड प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट है कि जब तक ऐसी कोई इमरजेंसी ना हो तब तक आप ओटी ड्रेस में, ओटी के बाहर नहीं जाओगे, अगर जाओगे भी तो एक गाउन पहन के जाओगे। प्लीज़ स्लीपर्स भी जो होते हैं, हम कई बार देखते हैं लोग नंगे पैर चले जाते हैं, इसमें हमें इम्प्रूव करना है कि एक सेट ऑफ स्लीपर्स हम बाहर के लिए रखें और अंदर के लिए लिखें। जो बाहर बंदा जाता है, जैसे स्टोर में कभी इमरजेंसी जाना पड़ता है, हम मना नहीं कर रहे हैं, कुछ इमरजेंसी ऐसी होती है कि हमें वे करना पड़ता है, रिस्क वर्सेज बेनिफिट, ठीक है, हमें बेनिफिट भी देखना है, रिस्क भी देखना है, जितना कम रिस्क हो सक हमको कम से कम करना है। इसलिए जब बाहर भी जाएंगे, क्योंकि अगर हम नंगे पैर तो चले गए, हम ओटी की स्लीपर नहीं यूज़ किया, लेकिन जो हमारे पैरों में जो गंदगी धूल लग गई वही तो हम फिर से ओटी में लेके आए, तो वो सब हमें नहीं करना है। सो सेशन वन ओवर, आई थिंक सम जस्ट एक बार, ये बायोमेडिकल वेस्ट है, इसके साथ हमने इसलिए कंबाइन किया है कि ये क्यों हम करते हैं सेग्रीगेशन,
बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन क्यों होता है? सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग, हम इसलिए अलग अलग करते हैं क्योंकि जो ये वेस्ट है दो टाइप के वेस्ट निकलते हैं, इन्फेक्शन और एक नॉन इन्फेक्शन। अगर हम इन्फेक्शन वाला नॉन इन्फेक्शन में मिला देंगे तो वो भी इन्फेक्शन वाला हो जाएगा और अल्टीमेटली ये एनवायरमेंट को इन्फेक्शन देगा, ये हमें इन्फेक्शन देगा और जो मुंडा बेचारा लेके जाता है उसको इन्फेक्शन देगा। ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, ये चीज़ें ना हो इसके लिए हम बायोमेडिकल वेस्ट पॉलिसी फॉलो करते हैं और ये गवर्नमेंट का रूलिंग है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रही हूँ, जस्ट प्रैक्टिकल चीज़ें हम देंगे। येलो बैग, थिंक बिफोर यूज, क्या यूज करते हैं? जो भी हमने, याद रखो पीला पस, मतलब जो भी चीज़ें पस से, इन्फेक्शन से रिलेटेड है, पट्टियाँ हैं, पेशेंट को जो टच करती है, वो सब हम कहाँ डालेंगे? येलो में। ठीक है, स्वैब्स है, ह्यूमन टिश्यूज है, ड्रेसिंग्स है, प्लास्टर्स है, कंटेमिनेटेड विद ब्लड, ये सब येलो में जाएगा। या क्या हो रहा है? राइट रॉन्ग? आज से कोई नहीं करेगा। रेड इसलिए मैं दिखा रही हूं क्योंकि कुछ जगह पे रेड यूज होता है, तो इसलिए हम आई केयर में रेड नहीं यूज करते हैं, इसलिए प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन यस, कुछ जगह पे रेड यूज होता है, तो इसलिए सबको एक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ब्लू में हम क्या यूज करते हैं? डिस्पोजेबल सीरिंजेस, आईवी ट्यूबिंग्स, कैसेट्स, कैथेटर्स, ये सब हमारे ब्लू में जाते हैं। ठीक है, और जनरल वेस्ट ब्लैक में, जैसे कि मतलब जो वहां येलो में गया ना, पानी की प्लास्टिक की जो डिस्पोजेबल ग्लास है, वो येलो में ना जाके कहाँ जानी चाहिए? ब्लैक में। इसलिए आज के बाद क्या, अभी भी अगर यहाँ नहीं मिलेगा ब्लैक तो प्लीज मंगा लेना। ठीक, अगेन शार्प्स का भी एक तरीका होता है, जिसमें अभी जो हम आई एम नॉट टेलिंग द न्यू वन बिकॉज दे विल बी कंफ्यूज्ड, स्टिल वी स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग। शार्प्स में जो निडल्स है वो कैसे करेंगे हम? पहले निडल डिस्ट्रॉयर में बर्न करेंगे, उसके बाद फिर वो कटर से काट के फिर कहाँ डालेंगे? कंटेनर पंक्चर प्रूफ रहता है, उसमें 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड रोज फ्रेश बना के डालना है, उसमें उतना ही डालना है। जैसे अगर पूरा डब्बा है तो पहले ऐसे नहीं सोचना है कि मेरे पास आज 5 लीटर का डब्बा है, नहीं, हमें अपना जो यूसेज होता है हमें पता चलता रहता है कि हमारे पर डे का कितना यूज है। तो जैसे मेरा पर डे का यूज इतना गट्ठा निकलता है तो जितना उतना ही उसमें डूब जाए, उससे और 25 ml और ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे अब मेरे एक दिन की रोटी का जो नीडल्स निकलते हैं वो इतने हैं, तो इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट इतना होना चाहिए। दूसरे दिन और हम डालेंगे तो उतना हम और डालते जाएंगे। ऐसे नहीं कि हमने पहले दिन पे ही उसको भर के रख लिया और एक महीने तक उसको चलाते रहे, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, जब ये डब्बा, इसके लिए भी नहीं वेट करना है कि यहाँ तक भर जाए, जब यहाँ तक आ जाता है तो आप उसको बंद करके सील करके फिर उसको जो बायोमेडिकल वेस्ट वाले आते हैं उनको देना है। और हमेशा जब भी हम निडल करते हैं, प्लीज डू नॉट रीकैप द निडल, बाय निडल प्रिक इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आपका, और अच्छा ऐसे इसमें फिर कई लोग बोलते हैं अगर हम ऐसे लेके जाके सामने वाले को लग जाएगी, तो प्लीज़ ऐसे भी मत लेके जाओ, ऑलवेज पुट इट इन अ किडनी ट्रे, डोंट टेक ओपन निडल्स इन अ हैंड एंड गो हियर एंड देयर। एंड कोई भी वेस्ट होता है वो ओटी में या कहीं पे भी 24 आवर्स के से ज़्यादा नहीं हमें स्टोर करना है, उसको विद इन 24 आवर्स हमें डिस्पोज ऑफ कर देना है। ठीक है, सो ये डोज एंड डोंट्स है। थैंक्स।